आतंकी शाहिद महमूद, वही जो लश्कर ए तैयबा का टॉप लीडर है, पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन से साल 2007 से जुड़ा हुआ है। लश्कर ए तैयबा को फंड देने वाले संगठन फलाहे इंसानियत का वाइस चेयरमैन भी रह चुका है। भारत में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर का करीबी है, जिसे अमेरिका सरकार ने साल 2016 में वैश्विक आतंकियों की सूची में रखा था। लेकिन पाकिस्तान का ये जो प्यारा है ना, वो चीन का भी दुलारा बन गया है और चीन ने फिर एक बार यूएन में अमेरिका और भारत को जोरदार झटका दे दिया है। धूर्त चीन है कि पूरी वफादारी पाकिस्तान के साथ निभा रहा है या फिर पाकिस्तान के समर्थन में आतंकियों को बचाकर पाकिस्तान का विश्वास जीतना चाह रहा है और उसी राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को बेवकूफ भी बना रहा है। नहीं तो सोचिए, चीन जैसी सुपर पावर भला फटे हाल पाकिस्तान को मुंह क्यों लगाएगी। लेकिन चीन भी तो अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर मजबूर है। पूरे विश्व पर जो चीन अपना राज कायम करना चाहता है, उसको लेकर भारत पर अटैक करने के लिए उसने पाकिस्तान को ही तो सहारा बनाया हुआ है। ऐसे में चीन इस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों को वैश्विक आतंकी बनने से बचाकर पाकिस्तान का भला बन जाता है। चीन ने फिर एक बार यही तो किया है। चीन ने फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका की राह में रोड़ा अटकाया है। चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के प्रयास को स्थगित करवा दिया। अभी पिछले कई महीनों में ये इस तरह की चौथी घटना है जब चीन ने 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को बाधित किया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था। उसके बाद भी आतंकियों को बचाने का पुराना इतिहास रखने वाले चीन ने फिर वही काम किया है। चीन ने कितने आतंकियों को वैश्विक आतंकी होने से बचाया? अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से जुड़ा प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब भी चीन ने इसी तरीके से रोड़ा अटकाया था। चीन ने पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को नामित करने के प्रस्तावों पर भी रोक लगाई थी। जून में पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने अड़ंगा लगाया था और अब चीन ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ, आतंकी अब्दुल रहमान मक्की और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगा लगाने के साथ साथ लश्कर ए तैयबा का आतंकी शाहिद महमूद को भी बचा लिया है। ऐसे में सवाल ही उठ सकता है कि चीन के पास भला ऐसी कौन सी पावर है जो वो चौथी बार किसी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा रहा है। दरअसल ये पावर नहीं बल्कि एक नियम है। नियम ये कि सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव होता है पारित। जी, सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में से कोई भी देश इसका प्रस्ताव ला सकता है। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो का भी अधिकार होता है। ऐसा प्रस्ताव तभी पास होता है जब सभी सदस्यों की सहमति मिल जाए। कोई सदस्य आपत्ति दर्ज करवाता है तो प्रस्ताव लागू नहीं हो पाता और चीन ही वो सदस्य है जिसकी वजह से खूंखार आतंकियों पर कड़ाई नहीं हो पा रही है। अब इस ड्रैगन का क्या इलाज है वो तो ढूंढे नहीं मिल रहा। क्या आपके पास है चीन की इस बीमारी का कोई इलाज? क्या आप चीन की अकल ठिकाने लगाने का कोई सुझाव दे सकते हैं? अगर आपके पास चीन के इस चालबाजी का कोई समाधान है तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।